नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर KBS इंटरव्यू के एक सीरीज में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाए जिसमें हम ECC के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किन टॉपिक को आपको पता होना चाहिए और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपने आंसर को बहुत ही मीनिंगफुल और दूसरे से थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। ओके, और ये सारे पॉइंट्स जो या तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर दीक्षा मॉड्यूल पे, निष्ठा मॉड्यूल पे जो ट्रेनिंग हो रही है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, आपका NTA का टेस्ट हुआ है, NET का टेस्ट हो रहा है स्कूलों में, तो वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। निपुण असेसमेंट का टेस्ट हुआ है, इन सारे पॉइंट पर भी डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसमें हम इस टाइम पर हमें क्या बात की जा रही है कि हमें अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और ये सबके लिए यूनिवर्सल एक्सेस बनाने पर बात की जा रही है। इसमें किस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, तो इसमें 3 to 6 ईयर के एज ग्रुप के बच्चे होते हैं जिन्हें फ्री, सेफ एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है। ये हाई क्वालिटी फ्री सेफ एजुकेशन दी कहाँ जाएगी, इसके लिए आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बालिका जो यूपी के बेसिक होते हैं, बेसिक स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर मोस्टली इसको आंगनवाड़ी बोलते हैं, कुछ जगह पर इसको प्री स्कूल बोलते हैं और KVS से मोस्टली जगह पर इसे बाल वाटिका के नाम से जानते हैं। अभी कुछ टाइम पहले KVS बाल वाटिका में वैकेंसी भी आई हुई थी। क्लियर, समझ पाया? इसके लिए फिर हमने क्या किया, फाउंडेशनल लर्निंग कैरिकुलम बनाया हो। फाउंडेशनल लर्निंग कैरिकुलम क्या होता है, एज ग्रुप को हमने डिवाइड करिया है, 3 to 8 ईयर्स के बच्चों जिसको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया, पहला 3 to 6 ईयर के लिए, दूसरा आपका 6 to 8 के लिए है। ठीक है, इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स में ध्यान रखिएगा, कई बार ये छोटी छोटी एज ग्रुप आपसे पूछेगा, इस टॉपिक को अपने टॉपिक में पढ़ा था लेकिन फिर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे फिर हमने बात क्या की है, पहली बात तो हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, जो 3 to 6 ईयर्स के बच्चे होंगे उनको हम आंगनवाड़ी में, प्री स्कूल में या बाल वाटिका में करेंगे, उसके बाद के जो बच्चे होंगे 6 to 8 ईयर के बच्चे होंगे उनको हम क्या करेंगे, प्राइमरी स्कूल में, प्री प्राइमरी स्कूल से बच्चे कहाँ पर आ गए, प्राइमरी स्कूल में। बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन देनी है, बच्चों को क्या करना है, प्ले मेथड से सिखाना है, बच्चे खेल खेल के सीखे, डिफरेंट टाइप की चीज़ें करनी है और हमें क्या पे करना है, फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल प्ले बेस्ड एक्टिविटी करानी है। देखिए, आपको डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी तैयार होनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अभी कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू में क्या हुआ, कई बार पूछ लेते हैं कि सबसे बेस्ट मेथड क्या है। अगर मान लीजिए उस सिचुएशन में आपको बेस्ट मेथड नहीं याद आ रहा है, तो सबसे बेस्ट मेथड उस टाइम पे आप बोल दीजिएगा प्ले बेस्ड एक्टिविटी कराएंगे। प्ले बेस्ड एक्टिविटी पे आपका NEP बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, आपका NCERT बहुत फोकस कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि प्ले बेस्ड एक्टिविटी से क्या होगा, मीनिंगफुल लर्निंग करा पाएंगे। जो रोट लर्निंग करते थे ना कि बच्चे रट के बैठ जाते थे, उसको हमें क्या करना है, डिसएग्रीमेंट करना है, हमें किसी भी हाल में रोट लर्निंग नहीं करानी, उसकी जगह मीनिंगफुल लर्निंग करानी है, बच्चों में क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग की बात करनी है, बच्चों को जो क्या होती है क्रिएटिविटी को बढ़ावा करना है, बच्चों के हिडन टैलेंट को बाहर निकालना है। इन्हीं बच्चों के हिडन टैलेंट को बाहर निकालने के लिए KVS में क्या होता है, फंडिंग कराया जाता है। कुछ दिन होते हैं बच्चे बैग लेके स्कूल आते हैं, बिना बैग के स्कूल आते हैं, इस तरीके से चीज़ें क्यों कर रहे हैं। एक तो बच्चों को क्या हो, क्रिएटिविटी हो, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है, बच्चे अपने हिडन टैलेंट को बाहर निकाल पाएँ, बच्चों के अंदर जो फोबिया होते हैं स्टेज फोबिया को दूर करना है, इसके अलावा बच्चों के कैरिकुलर और को कैरिकुलर एक्टिविटी दोनों पर फोकस करना है। स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है लेकिन हर एक पॉइंट को समझिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपको बोलती जा रही हूँ, जैसे फंडे के बारे में मैंने बोला, प्ले बेस्ड एक्टिविटी के बारे में बोला, ये आपके बोला इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का एक प्रोसेस होती है क्वेश्चन आंसर मैथड, हु इज द फादर ऑफ क्वेश्चन आंसर मैथड, सॉक्रेटिस इज द फादर ऑफ क्वेश्चन आंसर मैथड। जैसे आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है, क्वेश्चन आंसर मेथड, प्ले बेस्ड एक्टिविटी होती है, आपका किंडरगार्टन मेथड होता है, फ्रोबेल का दिया हुआ है, प्ले मेथड किसने दिया था, कोल्डवेल कुक ने दिया था, ये सारे मेथड आपको पता होना चाहिए। तो ECC के अंदर हमें क्या करना है, फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल प्ले बेस्ड एक्टिविटी करानी हो, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करानी हो, और इसका फोकस क्या है, इसका फोकस हमें कि रोट लर्निंग की जगह पर मीनिंगफुल लर्निंग कराएं। प्रिपरेटरी क्लास क्या होती है, प्रायर टू 5 एज एवरी चाइल्ड पर भी
मूमा प्रिपरेटरी स्कूल है बाल वाटिका। जो प्रिपरेटरी स्कूल है उसको कई बार क्या होते हैं, बाल वाटिका बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्लास फर्स्ट में आने से पहले बच्चे को क्या बोलते हैं, बाल वाटिका में या प्रिपरेटरी क्लास में भेजते हैं। यहाँ पे क्लास फर्स्ट में आके बच्चे को बैठने से पहले ही तैयारी कराते हैं, बच्चों को वहाँ पे कलर पहचानना सिखाते हैं, बच्चों को शेप्स पहचानना पढ़ाते हैं, बच्चे के बैठने की प्रैक्टिस कराते हैं, बच्चों को लिखना सिखाते हैं, 1 से 10 तक काउंटिंग सिखाते हैं। ये सब चीज़ें हम कहाँ पे कराते हैं, ये सारी चीज़ें हम कराते हैं प्रिपरेटरी क्लास में। क्लियर हो गया? इसका एक वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसी के अंतर्गत कौन कौन से आपके मिनिस्ट्री काम कर रही हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में जीके के अंदर भी पूछ सकता है। तो आपके ECC के अंतर्गत एक तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ HRD, HRD का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और इसके मंत्री कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी काम कर रही है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी काम कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल अफेयर भी काम करता है। आपको सारे मिनिस्टर्स पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं याद हो या तो एक बार गूगल कर लीजिएगा या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं सारे मिनिस्टर आपको एक जगह लर्न करवा दूंगी। ओके, कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने से बड़ों को सम्मान करिए, रिस्पेक्ट करिए, किसी की हिचकियों का हिस्सा बनिएगा, किसी की सिसकियों का नहीं। जल्दी मिलते हैं।